आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। कल हमने इस स्टॉक में डिस्कशन करा था कि किस प्रकार से इसके वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है और जितने भी मेटल स्टॉक देखेंगे अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 20-30% के डाउन ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है। साथ में ही एक ब्रेकिंग न्यूज इस स्टॉक में ट्रेंड हुई जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस करा और शायद जितने भी इन्वेस्टर हैं शायद उनको पता ही हो कि जो ये जो कंपनी है वो लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है कंट्री के अंदर और इन्होंने एक्सचेंज को इन्फॉर्म करा है कि ये कन्वर्टेबल डिवेंचर अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे लाएंगे जिसका मीटिंग शेड्यूल 14 सितंबर को किया गया है। हालांकि ये स्टॉक अभी भी कंसोलिडेट फॉर्म में है और ये कंसोलिडेशन ट्रेंड अभी भी बुलिश है क्योंकि लोअर लेवल जो इसका रहा है 104 के नीचे की क्लोजिंग नहीं रही है। एक बार रही भी तो स्ट्रांगली बाउंस बैक करते हुए दिखा है। इस समय व्यू काफी बुलिश है और इस स्टॉक में जो फ्रेश बायर है जो बात मोमेंटम की करते हैं हम वो 109 और 10 के ऊपर की क्लोजिंग पर ही होगा, तब तक के लिए रिमेन कंसोलिडेट रह सकता है। दूसरा स्टॉक मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा CMS इन्फो। इस स्टॉक को डिस्कस करने का मुख्य कारण यह है कि पहली बात तो इवेंट है और दूसरा देखें तो IT स्टॉक अगेन बेहतर करते हुए दिख रहा है और IPO लिस्टेड होने के बाद ही इस स्टॉक में देखें तो एक महज थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन ऊपर बनाने के 320 के बाद स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड दिखा और इस समय एक मेजर ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड हो रहा है। 270 के आसपास की एक बाइंग रिकमेंडेशन होगी। 250 के नीचे कैसेल को फॉलो करेंगे, टारगेट 320-350। इससे पहले AC में आपने देखा कि 220 से 320 तक के टारगेट विद इन मैक्सिमम 7-10 डेज में दिखे, तो CMS इन्फो में भी मैक्सिमम 10-15 डेज में 320-350 तक के लेवल्स दिखे।